आज मैं बात करूंगा आपसे एक अमेजिंग ऐप की कि जैसे हम कोई भी अमेजिंग और यूनिक वर्ड क्लाउड बना सकते हैं। कैसे? वर्ड आर्ट के द्वारा। आप किसी भी सर्च इंजन पर जाएंगे, wordart.com आप टाइप करेंगे और उसको आप सर्च करेंगे। जब हम उसको सर्च करते हैं ये आपकी साइट ओपन होगी। पहले आप उस पर वर्ड क्लाउड आर्ट जनरेटर पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे ये पूरा का पूरा एक सेटअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ नया एक इस पर आईडी आपको बनानी होगी, जैसा कि हर ऐप पर वेबसाइट को ओपन करने के समय आपको बनानी होती है। नॉर्मल सी आपके अपने मेल आईडी डालकर आप उस पर अपनी आईडी बना सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और कुछ क्रिएट करना चाहेंगे। क्या क्रिएट करना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि आपको डिफरेंट शेप में आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को मिलाकर आप कोई अलग से एक यूनिक इमेज बनाना चाहते हैं, किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, क्लास अपने सब्जेक्ट में कोई डिफरेंट शब्द आए एक ही चैप्टर के, उन शब्दों को मिलाकर शब्दों का भंडार बनाकर एक इमेज के रूप में बच्चों को देना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें यूज किया कि एक ये क्रिएट मैं करता हूँ, ग्राम। चलिए इन्हीं की बात करते हैं। मैंने 6 यूनिट ली हैं और एक कैंडेला यूनिट और रह गई है, उसे भी ले लेते हैं छोटी सी कैंडेला। वैसे यूनिट तो बहुत ज़्यादा हैं पर वे आपको मैंने फंडामेंटल यूनिट की बात अगर की तो मैंने टोटल ही कर दूं। मैंने कैंडेला ले लिया। अब आप देखिए, ये मैंने यूनिट लिया और इन यूनिट को मिलाकर एक इमेज बनाना चाहते हैं हम। साथ में अगर हम चाहें कि इनका साइज चेंज करना है तो इनका साइज का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं मान लीजिए मीटर को ही इनका साइज 2 कर देता हूँ और लीटर का 2 कर देता हूँ, ठीक, एम्पियर का 2 कर देता हूँ। यानी कुछ यूनिट मैंने एक साइज बढ़ा दिया, किसी का मैंने एक साइज घटा दिया है। कलर का, मीटर का कलर मैं चाहता हूँ कि मीटर को रेड कलर से दिखा दें तो मैं रेड ले सकता हूँ। लीटर को अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लू दिखा दें तो लीटर को ब्लू हम ले सकते हैं, ब्लैक ले लिया, चलो कोई नहीं। अब उसमें हम किसी को कुछ और दिखा सकते हैं, डिफरेंट कलर में हम लेना चाहें तो येलो लेना है तो आप येलो की तरफ जा सकते हैं। तो डिफरेंट आप अपने अनुसार यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर ले लिए। एंगल चेंज कर सकते हैं इनके कि जो भी आपके अनुसार अपने अनुसार एंगल कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप जो भी है। अब इसमें डिफ़ॉल्ट है तो सब में तो जो पहले से सेटिंग होगी वो ही रहेगा और आप चाहें कि इनका चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक शेप का चयन करना होगा, किस शेप के रूप में आप ये इमेज बनाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की शेप बनेंगी, एनिमल्स है, बेबी है, बर्थडे, क्रिसमस, क्लाउड्स, इमोजी, जियोमेट्रिक, है ना, डिफरेंट टाइप की शेप बनेगी। चलिए एक कोई सी नॉर्मल शेप ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एनिमल में ही हम शेप ले लेते हैं कोई, और एक शेप लेके एनिमल में से हम इसमें मान लीजिए मैंने ये चलिए घोड़े की शेप ले लेते हैं। ये घोड़े की शेप मैंने ली तो मुझे विजुलाइज करना पड़ेगा कि इस शेप में हमारे वर्ड्स कैसे लगेंगे। तो मात्र एक मिनट भी नहीं लगेगा और ये पूरा लोडिंग हो जाएगा और लोडिंग होने के बाद हम देख पाएंगे कि वो हमारा जो वर्ड्स हैं इस हॉर्स इमेज में कैसे लगते हैं। अब आप ये देखिए कि मीटर का क्योंकि फॉन्ट बड़ा था तो ये पूरा एक शेप में आ गया। अब मैं बच्चों से आराम से कह सकता हूँ कि बच्चों इसे क्या करना, आप जैसे अगर आप लैपटॉप पर या कहीं पर कर रहे हैं तो उसे टच करके आप इसे देख भी सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हो जाएंगे बच्चे के सीखने के और बच्चा आराम से उसे देख पाएगा, हो रहा ना। तो इस प्रकार यूनिट कहाँ दिखा दिया है, घोड़े ने हमें यूनिट पढ़ा दी, है ना। आप आराम से आप क्रिसमस देख लीजिए। चलो अब क्रिसमस ट्री हम लेते हैं साथ में, अब उसे क्रिसमस ट्री के साथ चाहते हैं कि हमारा कैसा लगेगा,
हमारी ये जो हमने यूनिट्स लिखी हैं, तो आप देखेंगे वहाँ भी बहुत मिनटों में वो क्रिसमस के रूप में हमारे यूनिट्स आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार डिफरेंट वे होते हैं बच्चों को समझाने के, और एक मज़ा आता है कि भाई कैसा लग रहा है अपनी इमेज में हमारे वर्ड्स। अब किसी बच्चे के लिए आपने मान लीजिए बर्थडे मनाया जा रहा है किसी बच्चे का, और आप उस बच्चे के गोलू मोलू कितना अच्छा क्रिसमस ट्री हो गया, और मैं लिख सकता हूँ नीचे क्रिसमस हुआ ये ट्री पूरा ये यूनिट का है। आप बच्चे के लिए आपने बहुत से शब्द बोले, अब उन शब्दों का आपने क्या किया, एक इमेज बना दी, उस बच्चे को फॉरवर्ड किया, कितना अच्छा लगेगा। आप इमोजी में ले सकते हैं, आप बर्थडे का देख लीजिए, चलिए बर्थडे का ये इमेज है सब। अब इस बर्थडे इमेज में मैं सेलेक्ट केक की करता हूँ और विजुलाइज करके देखते हैं। ये केक के रूप में भी आपका पूरा यूनिट आ गया। देखो आप, ये सबसे अच्छा लगता है मुझे कि जिसको क्लिक करेंगे उसका साइज बड़ा हो जाएगा और हमारे सामने ओपन होकर आएगा ना। तो ये बहुत अच्छा एक वेबसाइट है, और एक हम इमेज अमेजन इमेज इसमें हम बना पाते हैं, और केवल बना ही नहीं पाते हैं, अब यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा, डायरेक्ट शेयर भी कर सकता हूँ, सेव भी कर सकता हूँ। अगर मैंने इसे डाउनलोड किया तो आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड JPEG फॉर्म में ये हमें डाउनलोड करना होगा, या PNG फॉर्म में, तो उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा ये इस प्रकार की इमेज ओपन हो जाएगी, ठीक। और ये चूँकि JPEG फॉर्म में है, इसको आराम से हम अपने मोबाइल के द्वारा किसी अन्य को फॉरवर्ड कर सकते हैं।